कृष्णेभ्यः जय मंगल भूदानम विमलानम नानदंसन मयाडम तैलोय से हराडम नमो सयासव सिद्धाडम नमो अरियंताडम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोये सव साहूणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवन गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, भवबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशना ही इस जीव के कल्याण का साधन है। कारण कार्य व्यवस्था को जिसने जान लिया, उसने अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर लिया। बहुत सारे जीव ज्ञानी होकर भी अज्ञानी रह जाते हैं। पंडित जी, ज्ञानी होकर भी अज्ञानी रह जाते हैं, क्यों? बेचारे कारण कार्य व्यवस्था के ज्ञान से रहित हैं, इसलिए ज्ञानी होकर भी अज्ञानी रह जाते हैं। आप सब यहाँ हैं, कोई पूजा की थाली लिया है, कोई पीत वस्त्र पहना है पंडित जी, कोई हाथों में कलश लिया है, ये सब क्या है? ये सब कार्य है, और बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता पंडित जी। बिना कार्य के कोई कारण नहीं होता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, कुछ ना कुछ कारण तो है। आप हाथों में कलश लिए हो पंडित जी, और श्री जी को पांडुशिला में विराजमान किए, कुछ ना कुछ तो कारण है। एक माँ चक्की में गेहूं पीस रही है, और गेहूं पीस रही है तो नीचे से आटा निकल रहा है। माँ, ये सब कारण कार्य व्यवस्था है। आप इन सब बातों को जानते हो। आप चाहे भोजन पकाओ, चाहे कोई भी काम करो, वहां भी आप स्वाध्याय कर सकते हो। ये कारण कार्य व्यवस्था है। निर्वाण की प्राप्ति करना ये हमारा साध्य है, लेकिन उसमें कारण कार्य व्यवस्था लगाएं। रत्नत्रय कारण है, तप करना हमारे लिए कार्य रूप है, और जो उसका फल मिलेगा वो निर्वाण हमारे लिए साध्य है। कारण कार्य व्यवस्था। चारित्र के लिए दर्शन और ज्ञान कारण है, लेकिन जो वर्तमान में कार्य रूप दिख रहा है वही कारण रूप भी हो सकता है और होता है। आपने कभी रोटी बनाई माँ? तो रोटी बनाने के लिए जो आटा था वो कारण था, और रोटी बनना कार्य था। अब उसी रोटी को
आप कारण बना लो तो क्षुधा का समन होना, भूख शांत होना, ये कार्य हो जाएगा। ऐसे ही रत्नत्रय पर भी दृष्टि पंडित जी लेकर के जीव को जाना पड़ेगी। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। आप इंजीनियर साहब बैठे हैं, ये आंखों में चश्मा लगाए हैं, आंखों में लगाए ना कि कहाँ लगाए हो, सुनाई दे रहे हैं आपको, चश्मा लगाए हो आप, कहाँ लगाए हो, आंखों के ऊपर लगाया है कि कान और नाक पर लगाया है, लेकिन व्यवहार में बोलते हैं कि आंखों पर लगाए, कोई बात नहीं स्वीकार है। ये प्रश्न है, ये आपके बाजू वाले तो चश्मा नहीं लगाए हैं और आप लगाए हो, क्यों? अब ये बोलेंगे संयोग है, समझना विषय को, संयोग क्यों है, कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। एक माँ की दो संतान है, एक धर्मात्मा और एक को धर्म से कोई रुचि नहीं है, कोई तो कारण होगा। पंडित जी कारण क्या है, कारण क्या है पंडित जी? भगवान रविचरण स्वामी ने पद्म पुराण में लिखा है, कर्माणाम विचित्रा स्थिति, कर्मों की स्थिति बड़ी विचित्र है, आप समझ ही नहीं सकते। पंडित जी अभी वर्तमान की स्थिति आपको पता है ना, सभी हर जगह एक ही विषय चल रहा है, कोरोना। अगर कोई पंडित जी आज बोल दे कि गोबर खाने से कोरोना ठीक होता है, व्यक्ति गोबर भी खाएगा। मूत्र की तो बात हो ही गई है। अगर कोई बोल दे कि स्वयं का मल खाने से ही ठीक होगा, तो जिसको कोरोना हुआ है पंडित जी, वो स्वयं का भी मल खाने तैयार है। बोलो भाई सही है कि नहीं? दादाजी जब अपने ऊपर बीतती है, व्यक्ति सब करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब क्या है, कारण कार्य की व्यवस्था पर आप दृष्टि तो ले जाओ। लक्ष्य तो पंडित जी अपना रत्नत्रय मोक्ष मार्ग ही है, लेकिन चालू तो नीचे से करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब छह उपशम कम होते जा रहे हैं। समझना चाहें आप तो समझ सकते हैं, और नहीं समझना चाहें तो ब्रह्मा भी आ जाए पंडित जी तो नहीं समझा सकते आपको, क्योंकि समझना नहीं चाहते ना। एक कन्या ने अपने पिताजी से कहा कि मेरी ये 100 शर्तें हैं, और ये 100 शर्तें जिस पुरुष पर लागू होंगी उसी से विवाह करूंगी। अब पिताजी परेशान, ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा योग्य वर जिसमें 100 गुण पूरे मिल जाएं। बहुत दिनों के बाद पिताजी को एक वर में, एक लड़के में 2 गुण कम मिले, 98 गुण प्राप्त हो गए। पिताजी ने कहा बेटी इससे ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, काम चला लूंगी, बताइए कौन से नहीं मिले हैं। उसने कहा वो कुछ भी नहीं जानता है। बोले कोई बात नहीं, मैं जना दूंगी। बोले लेकिन आखिरी ये है कि वो कुछ नहीं मानता है। अब जो जानता नहीं है उसको जना सकते हैं पंडित जी, जो मानता नहीं है उसको नहीं मना सकते। माँ आप अपने बेटे को उठाओ, बेटा स्कूल जाओ, जो सो रहा है उसको उठाया जा सकता है, जो सोने का बहाना कर रहा है पंडित जी उसको नहीं उठा सकते। अपने अंदर देखना है, हमें दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? आदिश, बनारस के ही हो? सुनना भैया, हर क्रिया का, कार्य का कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। आयोजन हुआ है तो प्रयोजन भी है। यहाँ जिनालय है, धर्मशाला है, तो कुछ ना कुछ तो ये पूरा आयोजन का प्रयोजन होगा।
आप भगवान की पूजा अभिषेक कर रहे हो, ये आयोजन है। अभी भगवान आदिनाथ जयंती जन्म दिवस पर चैत्र कृष्ण नवमी को आप लोगों ने भक्तांबर विधान किया था। मां जिनने भी भक्तांबर विधान किया, ये एक आयोजन था। अब उसका प्रयोजन क्या था, क्या प्रयोजन है पंडित जी बताओ, क्या प्रयोजन है कि इस थाली का उस थाली में, और जय जय नाथ परम गुरु होए, 10 बजे तो नाश्ता होए और जय जय नाथ, ये प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन था कर्मों की निर्जरा, भावों की विशुद्धि का संग्रह करना, ये उसका प्रयोजन था आयोजन का। लेकिन पंडित जी क्या बताएं, क्या परिणति है जीव की, और क्या जीव के अंदर एक अदृश्य शक्ति है, वो सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। मां आपने संतान को जन्म दिया ना, उस प्रसूति में पीड़ा हुई थी, याद है, हैं? भूल गए। पंडित जी अभी सज्जन आए थे बाहर से, बोले देवी से झगड़ा हो गया महाराज जी, मैं घर से सोच के ही निकला था कि अब महाराज के पास जाऊंगा, लौटूंगा नहीं, लेकिन बोले शाम को ही मन बदल गया। ये विस्मृति नाम की आपके पास शक्ति है, आप सब भूलते जाते हो इसलिए जी रहे हो, और भूलते नहीं जाते तो पागल हो जाते। मां संतान को जन्म दिया तो क्या प्रयोजन था, ये प्रयोजन नहीं था कि भविष्य में जब मैं वृद्ध होऊंगा तो मुझे ये पालेगा, ये प्रयोजन नहीं था। संस्कृति की सनातनता चलेगी, संस्कृति हमारी सनातन वृद्धिमान होती रहेगी, ये प्रयोजन था। पूजा करना आयोजन है, उसी में पंडित जी सारी कसाएं निकलती हैं जीव की, सारी कसाएं निकलती हैं। जब आयोजन हुआ है उसके प्रयोजन को भी तो समझना पड़ेगा। पंडित जी का हुआ विवाह और बढ़िया अच्छा पंडाल लगाया गया, 2 कुर्सी रखी गई, वर वधु को बैठाया गया, और इंजीनियर साहब देख रहे थे। इंजीनियर साहब देखते देखते सबने कहा भैया चलिए भोजन करिए, तो बोले भैया बरमाला तो हो जाने दो, फेरे तो हो जाने दो। बोले अभी तो भोजन करते हैं, वो तो होता रहेगा। बढ़िया भोजन किए, और जो स्टेज पर वर वधु बैठे थे दोनों ने एक दूसरे को जय जिनेन्द्र किया, अपने अपने घर चले गए। सही किया ना पंडित जी, वो एक मंडप बनाया गया था ब्रह्मचर्य अनुव्रत लेने के लिए, वो आयोजन था। लेकिन जो वहां पहुंचे, बहुत सारे आते हैं बराती भी, आएंगे खाएंगे और जाएंगे, उनको प्रयोजन नहीं कि लड़का कहाँ है लड़की कहाँ है, कोई मतलब नहीं, बोले लिफाफा दो अपन तो आगे बढ़ो। आदिश भाई देखा होगा आपने। अब पंडित जी अपन दृष्टांत से दृष्टांत पर आते हैं, मनुष्य पर्याय क्यों मिली, एक आयोजन है, संयम धारण करना इसका प्रयोजन है, समझ रहे भैया, खा के पी के सो जाना ये कोई प्रयोजन नहीं है। पंडित जी जब हम छोटे थे तो पिताजी कहते थे कि बेटा सुबह तो मंदिर जाना ही है, शाम को भी जो लाडगंज मंदिर है जबलपुर का, वहाँ नीचे 5 वेदियाँ हैं, पहले 4 थी फिर 5 हो गई, उन 5 वेदियों में ये दीपक रख करके आना। पहले तो पंडित जी ऐसा लगता था कि ड्यूटी है, तो भैया पिताजी की कौन टाले, तो चलो जाओ रख के आ जाओ। फिर मन में आया जब वहाँ तक जा ही रहे हो तो आरती और पढ़ लो, जा ही रहे हो तो नमस्कार और कर लो। पंडित जी भवितव्यता होती है तो सारे निमित्त कार्यकारी होते हैं,
और भवितव्यता नहीं है ना, आप कुछ भी कर लो, ग्रेनाइट के पहाड़ पे आम का पेड़ नहीं उग सकता, पंडित जी नहीं उग सकता, भवितव्यता नहीं है ना उसकी, भवितव्यता होगी तो मान जाएगा। माँ हम एक दृश्य देखते थे, जो दूसरे नंबर की वेदी थी वहां से तीसरे नंबर तक की वेदी तक दोनों तरफ माताएं बैठती थी और बढ़िया आलोचना पाठ चलते थे। मेरी भावना चलती थी, सुनिए जिन अरज हमारी, हम पाप किए अति भारी। लेकिन पंडित जी अपन तो मुंडे नीचे करके चल देते थे, बढ़िया सुनते हुए चले जाते थे। एक दिन हमने सोचा कि देखे तो ये माताएं करती क्या है। माँ ध्यान से सुनना, आप किसी व्यक्ति पर मेरा टिप्पण नहीं है, हम विचार कर रहे हैं इस विषय पर कि हम जो कर रहे हैं उसके प्रयोजन तक हम प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं। बढ़िया, सबके हाथ में एक एक नारियल का गोला और सरौता, सब चिटके बना रही हैं। चटक, सुनिए जिन अरज हमारी। अब उस वाली पंक्ति वालों का नंबर हो गया, चार लाइन हो गई, तब बातें करने लगी। सुनो का चल रहा है, अरे हमारी बहू तो है वो, क्या बताए भैया, माए के गई तोते ही की हो गई। अच्छा क्या बोल रहे हैं, चीटिया दी जीव बिदारी, झाड़ू ले जांगा बुहारी। अब इनका नंबर खत्म, अब ये वाली चालू हो गई। अब हम कल सुबह आए थे, आज सुबह पूजा करने आए थे, वो फलाने की वो पड़ोसन थी ना, वो हम बाजोटा उठा के ले गई, बताओ स्थापना रखी है। अच्छा क्या क्या करना है, फिर चालू गई, सीता को चीर बढ़ायो, द्रौपदी को चीर बढ़ायो। अब बताओ पंडित जी, ये आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं, भगवान को सुनाने आ रहे हैं कि खुद के अंदर के कर्मों की निर्जरा के लिए आ रहे हैं। माँ ऐसा होता कि नहीं, एक ही जगह की बात नहीं है, आप कहीं भी जाओ, बड़े बड़े पंडित जी हमने तो देखा है ना, आचार्य जी के साथ तो हम भी रहे ना, शिविर हुआ बढ़िया, सब शिवरार्थी बैठे हैं, कुछ बाराती हैं, कुछ श्रोता हैं, कुछ सोता हैं, बढ़िया उन्होंने अपने अपने खंभे ढूंढे और टिक गए। अब हम लोग तो ऊपर स्टेज में बैठते हैं, सब दिखता है, कुछ ऐसे हैं कि धर्मशाला से आई नहीं, किसी एक जगह नहीं, हर जगह ऐसा होता ही है। बांध कितने ही बांधा जाए पंडित जी, पानी तो रिसे ही जात है, लेकिन उनको देख करके कहीं बाकी लोग ना बिगड़ जाएं, इसका ध्यान उन्हें रखना है। लेकिन पंडित जी बेचारे घर छोड़ करके आए, आयोजन हुआ उसका प्रयोजन ही भूल गए, बोले एक आसन करना है और शाम को पंडित जी बढ़िया दो मुट्ठी काजू, दो गिलास दूध और दो तीन प्लेट रबड़ी और 6-8 पेड़े, भैया एक आसन है, और वो काली ले लेते हैं और बाकी कुछ नहीं लेते। अगर कोई फल दे दे तो मना नहीं करते, क्योंकि एक आसन है। ये बताइए क्या एक आसन है पंडित जी, हमने जो जब देखा कि एक आसन कैसा होता है, बुंदेलखंड का एक आसन, सुबह व्रतों में यहां तक करो भोजन और 6 प्रकार का मीठा नमकीन सब होना, भाई आज एक आसन है, और शाम को कुछ नहीं पंडित जी, 6-8 केले की टिकिया, 2-3 प्लेट मूंगफली, 6-7 पेड़े, 1-2 कटोरी रबड़ी, बादाम काजू, और अगर कोई ने फल दे दिए तो ठीक है, नहीं तो पानी लेते, एक आसन है ना। भैया प्रयोजन तो समझो, एक आसन क्यों कर रहे हैं भैया, अन्न का त्याग नहीं कर रहे हैं, इंद्रियों को बस कर रहे हैं। बिचारी जो माँ बना रही है वो बोले भैया 2 टाइम खा लो ज्यादा अच्छा है। माँ मंदिर आकर के, मंदिर आने का क्या प्रयोजन है, मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर करके मनुष्य पर्याय का क्या प्रयोजन है, एक ही प्रयोजन है संयम, एक ही प्रयोजन है संयम। साधु कार्यम तपाश्रुते, सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है पंडित जी, यद्यपि ये प्रकरण व्याकरण संबंधी था लेकिन ये अंतर में उतारने लायक है कि साधु कार्यम तपाश्रुते। साधु के 2 कार्य हैं, एक तप करना, एक श्रुत में लीन होना।
एक तप करना और दूसरा श्रुत में लीन होना, तीसरा कोई प्रयोजन नहीं है। अगर किसी और प्रयोजन में गए तुम्हारा आयोजन असफल। लेकिन पंडित जी, व्यक्ति दूसरे के आयोजन को सजाने में लगा है, अपना आयोजन भूल रहा है। मां सोचती है कि बेटा मंदिर आ जाए, बेटा सोचता है कि मां सोशल वर्क में लग जाए। भाई मां कोई नहीं माने ना, आप विकल्प नहीं करना, सबकी अपनी अपनी परिणति, सबकी अपनी अपनी गति। ये पर्याय का संबंध है, कोई आपके स्वभाव का संबंध नहीं है। एक समय तक व्यक्ति को पंडित जी समझाना, फिर ना माने तो कम से कम आप ही समझ जाना, उसको देख करके सोचना कभी मैं भी ऐसा रहा होऊंगा, अशुभ विचार नहीं करना, कभी मैं भी तो ऐसा रहा होऊंगा। पंडित जी बेंगलोर में चातुर्मास की बात है, हम लोग दोनों जन शुद्धि करके आ रहे थे, जब ग्रीष्मकालीन वाचना थी तो मुद्रा लगा के जा रहे थे, 5 बच्चों थे उन्होंने पत्थर फेंक दिए, पत्थर फेंका और उसने निशाना लगाया लिंग पर, लेकिन भाग्य था कि जंगा पर लगा। जब लगा तो पीड़ा तो हुई, बात आई गई हो गई। फिर जब चातुर्मास चालू हुआ तो मंदिर से 100 मीटर दूर होंगे, एक लड़के ने इतना बड़ा पत्थर पंडित जी फेंक के मारा, क्या भगवान का क्या कर्म का योग था कि मुझे ऐसा लगा पीछे से कुछ आ रहा है, मैंने मुंडी ऐसी करी और पत्थर यहाँ टकरा के लग निकल गया। पीछे मुड़ के देखा वो बालक वहीं खड़ा था, तो हमने उसको आशीर्वाद दिया, पाप छे उसको। पंडित जी मुझे गुस्सा नहीं आया, पूछो क्यों, हमने यही विचार किया कभी हम भी तो ऐसे रहे होंगे। लेकिन भगवान इसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए, बेचारा अपने आयोजन को भूल गया, आयोजन के प्रयोजन को भूल गया। ये जो आपको मुख मिला है पंडित जी, ये सुभाषित बोलने के लिए मिला है कि अपशब्द बोलने के लिए मिला है? आदिश भाई विचार करना, जब कोई व्यापारी हो, आपकी जॉब करते हो व्यापारी हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपका धन नहीं दिया, व्यापार है, तो उनसे आप सुभाषित बोलते हो कि अपशब्द बोलते हो? हैं, प्यार से बोलते हो भैया मेरे पैसे दे दो, कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है? इनकम टैक्स वाला आ जाए तो बोलते हैं आइए साहब, और मन में सोचते हैं आ गया सांप। ये जो पांचों इंद्रियां मिली हैं पंडित जी, इंद्रियों को आप दोष मत दो, इंद्रियों को ये मत बोलो कि इंद्रियों से पाप हो रहा है, आप इंद्रियों से पाप करते हो। इंद्रियां तो महामुनिराजों को भी मिली हैं, रिद्धिधारी मुनियों को भी मिली हैं, वर्तमान के इंद्रियों को दमन करने वाले साधुओं को भी मिली हैं। इंद्रियों को दोष मत दो, आप जो आपके अंदर विपरीत कारण चल रहा है उसको दोष दो। ये माँ पूजा कर रही हैं, इनकी थाली में फल चढ़े हैं, यही फल अभी इंजीनियर साहब के टिफिन में होता तो मुख से यहां जाता और वही फल माँ मोक्ष फल के लिए घुमा करके चढ़ा रही। फल ने कब कहा कि मुझे खाओ कि मुझे चढ़ाओ, कब कहा, कब कहा चावल ने कि मुझे थाली में चढ़ाओ कि कुकर में चढ़ाओ, कब कहा? वस्तु ने कुछ नहीं कहा, आपने उसको अपने अनुसार देखा है। इंजीनियर साहब भैया सब जगह इंजीनियरिंग मत लगा देना, पंडित जी सब गड़बड़ हो जाएगा। इन्होंने अगर सभी जगह इंजीनियरिंग लगा दी तो भैया गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी का मतलब समझते हो आप? गर्मी के मौसम में या किसी भी मौसम में भैंस पानी में चली गई, अब वो कब आएगी?
जब उसकी इच्छा होगी तब आएगी। अब तुम बाहर खड़े हो कि कितनी ओए ओए कर लो, वो नहीं आ रही। ऐसे ही वो परिस्थिति, वो समय चला गया, अब नहीं आ रहा पंडित जी लौट के। युवा थे तो पंडित जी चमकता था शरीर, यहां से घर तक का दौड़ के चले जाए, और अब कमरे में नहीं दौड़ पा रहे। इन्हें दुरुपयोग किया है इंद्रियों का, पंडित जी स्वीकारो। इंद्रियों को आप दुरुपयोग नहीं करते तो आज भी सशक्त रहती। पंडित जी आपकी उम्र के आज मुनि और आचार्य भी तो हैं, जिन्होंने युवावस्था में दीक्षा ली थी, उन्होंने अपने वीर अंतराय कर्म का क्षेत्रोपशम का दुरुपयोग नहीं किया। चल रहा है। अब इंजीनियर साहब बोलेंगे संयोग है। भैया संयोग नहीं है, सब पूर्व कर्मों का नियोग है। जिसने इसको नहीं समझा वो बेचारा जो कुछ भी कर रहा है सब व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले सात तत्वों को समझो पंडित जी। 77 गुण जो सम्मिदिष्टि के कल हमने बताए थे, विचार करना। हमारे पल्ले में माँ, हमारे पल्ले में कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, और हम लगे हैं दूसरों को देखने में। अरे ये प्रयोजन हमको स्वयं के लिए मिला था, ये मनुष्य पर्याय स्वयं के अवलोकन के लिए मिला था, और हम दूसरे को ही देख रहे हैं। हमारी थाली में कौन सी द्रव्य है ये नहीं देख रहे, पड़ोसी के में क्या क्या नहीं है वो देख रहे। अरे वो तो कल शांति विधान कर रहे थे, 6 बादाम लाए थे। भैया वो 6 तो लाया था, 6 ला करके कम से कम चढ़ा करके निर्जय तो कर ली, और आप 100 लाए थे, आपने उसके देख देख के सब नष्ट कर लिया। आदिश भाई की साड़ी की दुकान है, व्यापार किसका है? पानी की टंकी की इनका व्यापार है, और पड़ोस में भी इनके पानी की टंकी का कोई ना कोई व्यापारी मिल जाएगा। अब पंडित जी ये सोच रहे हैं कि पड़ोस वाले के यहाँ 3 ग्राहक गए हैं, अपने यहाँ 1 ही आया है। भैया आप ये मत सोचो कि पड़ोस में 3 गए हैं, आप एक को ही इतने व्यवस्थित रूप से वार्तालाप और अपने कुशलता से प्रस्तुत करो अपनी कुशलता कि वो 3 से ज्यादा धन दे करके चला जाए। पंडित जी अभी भी कोई देर नहीं हुई, जितनी बची है उतने में भी आप इतनी निर्जरा कर सकते हो कि जितनी पूरी पर्याय में नहीं कर पाए। लेकिन क्या है, सब उसी में मजे मस्त हैं। जय जय नाथ परम गुरु है। बोले महाराज जी आप तो बताओ, हम सुनेंगे। लेकिन वो जो व्यक्ति था ना जिसके पास 2 गुण कम थे, जानता भी नहीं था मानता भी नहीं था, लेकिन बोले हमारे पास 1 ही गुण कम है, हम जानते सब हैं मानते नहीं हैं बस, क्योंकि हमारे पिताजी ने सिखाया है जो एक बार बोल दिया है उसी में रहना, जो एक बार कर लिया है वही जीवन जीते रहना। इसलिए तो इंजीनियर साहब आज भी बोलते कि हम 20 साल के ही हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार बोला था कि हम 20 के हैं, अब 20 के ही। बोले एक बार बोल दिया मूछ की बात है, जो बोल दिया वो कटेगी नहीं। भैया हट मत करो, अपने हट को हटाओ, हट मत करो, बात मानना पंडित जी। एक व्यक्ति जो जीवों की हिंसा कर रहा है ना, उसको पता है कि मैं हिंसा कर रहा हूं, लेकिन वो स्वयं को संतुष्ट करके रखा है कि ये जो हिंसा है ये हिंसा नहीं है। वो स्वयं को समझाने का प्रयास नहीं कर रहा, वो दूसरे को ही बताना चाहता है कि भाई मैं सही कर रहा हूं, बल्कि तुम गलत हो, तुम भी यही करो। इसलिए पंडित जी अपना तो एक ही भाव है, कोई भी आयोजन हो उसको सफल कर लो, नहीं तो आयोजन आपका व्यर्थ है। और प्रयोजन आयोजन व्यर्थ है तो आपका सारा का सारा उपक्रम व्यर्थ है, मनुष्य पर्याय भी व्यर्थ हो गई। अब पंडित जी इससे सरल तरीके से क्या समझाएं?
इससे सरल नहीं कर सकते, कारण कार्य व्यवस्था को इससे और सरल तरीके से नहीं कर सकते। ज्यादा पानी मिलाएंगे तो फिर वो मठा नहीं बचेगा, वो पानी ही बचेगा। इसलिए आदिश भाई आप मंदिर आए, भगवान की पूजा अभिषेक करें, प्रवचन भी सुने, तो कुछ ना कुछ तो बचना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बचना चाहिए। जबलपुर की घटना है पंडित जी, एक धर्मात्मा माँ मंदिर गई, उनको पता था कि पति को तो नाश्ता चाहिए, तो नाश्ता बना करके वो टेबल पे रख गई, पति को सिर्फ उठा के खाना था। अरे पंडित जी, वो उसने सोचा कि नाश्ता तो बना के आए हैं, आज चलो एक विधान और कर लेते हैं। उनको बज गए 9:30, देवी को बजे 9:30, और घर में जो पति देव थे वो बन गए ज्वालामुखी। और जैसे ही वो घर में प्रवेश किया, उसने पहले उनके जिनवाणी जो पूजा का थैला था वो लिया, लाल जिनवाणी के 2 टुकड़े करे जमीन में पटके और पैरों से कुचल के क्या बोलता है, अब कर पूजा, और दुनिया भर के अब शब्द कह दिए। वो कहती जा रही है कि नाश्ता तो रखा हुआ है ना टेबल पे, बोले परसेगा कौन, बोले तेरा बाप आएगा क्या ऊपर से परसने। बताओ पंडित जी, मैं आपको आंखों देखी बता रहा हूं, होते हैं आप जैसे लोग नहीं, और भी लोग हैं, दुनिया है, विचित्र परिस्थिति है, नाना जीवा नाना कम्मम नाना वी हवे लद्दी, नाना जीव है, उनके नाना कर्म है। हो सकता है कि उसका रिश्तेदार सुन रहा हो घर में बैठ के टीवी में, उनके रिश्तेदार सुन रहे होंगे घर में बैठ के टीवी में, तो समझ गए होंगे, क्योंकि पंडित जी स्वागम गुरु उपदेश और अनुभव से जो बताया जाता है वो हृदय में अंदर तक जाता है। आदिश भाई, नाना जीवा नाना कम्मम नाना वी हवे लद्दी तमहा वयेण विवादम सगपर सम्यम विपज्जीव, गाथा लिखी भगवान कुंद कुंद स्वामी ने। नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके कर्म हैं, पर नाना प्रकार की उनकी उपलब्धियां हैं। एक भगवान की भक्ति कर रहा है फिर भी दुखी है, क्लेशों के उसको निमित्त मिल रहे हैं, एक घर में बैठा है और बढ़िया दोनों हाथों में उसके घी का लड्डू है। जीव नाना प्रकार के हैं, उनके नाना कर्म हैं, उनकी उपलब्धि भी नाना प्रकार की है। तमहा बयण विवादम, इसलिए वचनों का विवाद छोड़ करके वही पर समय को पंडित जी वहीं छोड़ दो। एक समय तक माँ आप संतान को समझाना, एक समय तक आप अपने परिजनों को समझाना, फिर खुद को समझाना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि परोसते परोसते आपकी थाली खाली रह जाए। पंडित जी, कसाय का एक आनंद आता है व्यक्ति को, लेकिन जो विवाद होता है तो वो जब आगे तक चलता है तब पुराण ग्रंथों में समझ में आता है। किसी भी व्यक्ति से पंडित जी आपने एक समय के लिए विवाद किया है, एक समय के लिए भी विवाद किया है, और वो संस्कार विवाद के उसके अंदर प्रविष्ट हो चुके हैं, वो किसी न किसी भाव में तो सामने आएंगे। जब रवि सेन आचार्य पद्म पुराण में लिखते हैं, श्रेणिक राजा ने प्रश्न किया कि हस्त और प्रहस्त को अंग और अंगद नहीं क्यों मारा, तब भगवान की वाणी में घिरा कि पूर्व भाव से इनका बैर चला आ रहा है, इन्होंने ब्राह्मण की पर्याय में इन दोनों को मारा था, इसलिए इन दोनों ने आज राक्षस वंश में कुल हुए उनको उत्पन्न हुए इनको मारा है। पंडित जी, कहीं ना कहीं तो चक्र घूम करके आएगा, आज नहीं तो कल व्यक्ति को स्वीकारना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई उपाय नहीं है ना। उपाय क्या नहीं है, सत्य तो यही है। इसलिए भैया आयोजन के प्रयोजन को समझो, महाराज आए हैं, इनको क्या प्रयोजन आपसे, पंडित जी हमको आपसे क्या चाहिए बताओ, और आपको हमसे क्या चाहिए बताओ। माँ आपके पास जो है वो आप हमें दे नहीं सकते हो,
जो हमारे पास है वो आप ले नहीं सकते हो। पंडित जी, जो आपके पास है वो आप हमें दे नहीं सकते हो, जो मेरे पास है वो आप ले नहीं सकते हो। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूं, आप मुझे कुछ नहीं दे सकते हो, ना मैं आपसे कुछ ले सकता हूं। प्रत्येक जीव द्रव्य का ज्ञान दर्शन स्वतंत्र है, आपका ज्ञान दर्शन आपके पास है, उसके अलावा पंडित जी आप उसमें कुछ भी नहीं मिला सकते हो। और जो ज्ञान दर्शन आपके पास है वो आप किसी को दे भी नहीं सकते हो। भैया परेशान काय हो रहे हो, क्यों परेशान हूं? धन कमाऊं, धन खर्च करूं और अंत में अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, और बेचारा चला गया कोई सत्य है, फिर उसको सुना रहे सत्य है। अब बताओ सुना के तुम करोगे क्या? बीच चौराहे में एक पुतला बना था और अब इंजीनियर साहब पहुंच गए। अब इंजीनियर है ना, इंजीनियर साहब है, बोले कि समझाने से व्यक्ति मानता है, तो उसको समझा रहे हैं खड़े होके, दसों साल समझा रहे हैं, वो पुतला ऐसे ही खड़ा है। बोले महाराज जी कोई नहीं मानता बातें, क्यों? बोले हम 10 साल समझा रहे हैं, माना क्या? हमने पूछा कौन? बोले वो पुतले को समझाया, पुतले को कौन मान रहा है? भैया समझो तो, कहां सुन रहे हो? कहीं आप भी पुतला बना तो नहीं बैठे हो? अंदर की व्यथा समझना आप, हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं, ना हमें आपसे कुछ चाहिए। अपन आज यहां है, कल कहीं और है, कभी बेंगलोर थे, कभी सागर थे, अब पता नहीं कहीं और होंगे। पंडित जी अपने को कोई से कोई प्रयोजन नहीं। हाँ, अगर आपके अंदर आकांक्षाएं हैं तो इंजीनियर साहब भी देवी के सामने हाथ जोड़े मिलोगे, समझना अंदर की बात। बोलो पंडित जी, जिसके अंदर आकांक्षाएं विषय वासना है वो हाथ जोड़े मिलते हैं, और जिनके अंदर कोई आकांक्षा नहीं विषय वासना नहीं वो हाथ खोले मिलते हैं। पंडित जी ऐसा एक बार निष्प्रत बन जाओ आप, आनंद आ जाएगा। मानो चारित्र में इतनी शक्ति है कि जब कर्मों का योग का क्षय होता है तो फिर रोगों का योग का क्षय क्यों नहीं होगा? लेकिन क्या है ना, वो अंदर से एक श्रद्धा दृढ़ नहीं आता, का होगा का होगा, कछु नहीं होगा। निर्णय ले लो, अनिर्णीत अवस्था दुख देती है, निर्णय ले लो फिर सुखी सुख है। भाई सोच रहे थे कि व्यापार किसका चालू करूं, जब तक सोच रहे तब तक विकल्प था, व्यापार चालू कर दिया, उसी में लग गए। शादी के पहले एक बार तो सोचा होगी थोड़ा रुकता हूं, माँ कभी सोचा नहीं आपने कि थोड़े दिन और रुकते हैं, क्या होगा शादी के बाद? कुछ नहीं है, हो गई तो अब सब निभरा है। पंडित जी सब निभरा है, कभी अपने हाथ से जिस माँ ने पहली रोटी बनाई हो, पहली रोटी आधी कच्ची आधी जली, और जम्बू द्वीप की जैसी नहीं, एशिया महाद्वीप की जैसी, और फिर उस रोटी को वही बड़े चाव से खाती है और अलग आनंद आता है, क्यों? मैंने बनाई है, मैंने बनाई है। ऐसे ही मेरे भाव हैं, मेरी क्रिया है, ऐसी अपने अंदर स्वयं प्रतिक्रिया लाओ, क्योंकि कोई आपको समझा भी नहीं सकता है, निमित्त मात्र हो सकता है, उपादान तो आप ही हो। और पंडित जी समय हो गया 15 मिनट, माँ कल भी तो हमने 1 घंटे समझाया था, एक भी नहीं आया कि महाराज जी मैं आपके साथ चलता हूं, समझना। बहुत बढ़िया पंडित जी, ऐसे ही होता है। फूलचंद जी पंडित जी बता रहे थे, बंबई गए तो बोले हमें तत्वार सूत्र पढ़ा तो 2 सूत्र छोड़ दिए बीच के, जान के छोड़ दिए। तो लोग बोले अरे पंडित जी 2 छूट गए, अरे अच्छा कहीं कहीं चलो चलो, मतलब सुन तो रहे हैं। हम बंबई गए पंडित जी घाट के ऊपर प्रवचन करने, अब वहां प्रवचन करें तो सब ऐसे ऐसे करते रहे, बस 1 घंटा हो गया,
हमको लगा कहीं ऐसा तो नहीं हम मशीन के सामने प्रवचन कर रहे हो। प्रवचन समाप्त हुए तो मंदिर के बाहर कुर्सी लगाकर एक सज्जन बैठे थे, उनने बोला भैया जी एक जिज्ञासा है। तो साथ वाले जो ब्रह्मचारी थे बोले अब जी क्या पूछेगा, हमने तो पहले खुश तो हो कि वो सुन तो रहा था, कम से कम माँ आपने इस बात को अंदर तक रखा तो है कि आयोजन में कुछ प्रयोजन होना चाहिए। अब आप कल की एक बात को यहाँ स्पर्शित कर लेना, दोनों विषयों को एकत्रित कर लेना पंडित जी, दोनों विषयों को एकत्रित कर लो। ये जो आयोजन है इसमें आप किसकी मानते हो, अनुकूल शत्रुओं की कि प्रतिकूल मित्रों की, बताइए। मनुष्य पर्याय के इस आयोजन में आप किसकी बातों को स्वीकारते हो, अनुकूल शत्रुओं की कि प्रतिकूल मित्रों की है? प्रतिकूल कर्म नाम की कोई चीजें नहीं होती, आप क्यों परेशान हो रहे हो? बहुत बढ़िया, आपने बोला तो कर्मों की निर्जर होगी, मतलब पंडित जी कहीं ना कहीं घन पढ़ते रहेंगे टूटेगा। भद्र परिणामी जीव है ना पंडित जी, उसकी भवितव्यता आएगी। फूलचंद जी की कब आएगी नहीं पता, लेकिन आएगी, विश्वास है। एक दिन ये भी मुनि बनेंगे, मुनि के सिद्ध भी बनेंगे। लेकिन अब आप बताओ, अनुकूल शत्रुओं की मानते हो कि प्रतिकूल मित्रों की? क्योंकि मनुष्य पर्याय के आयोजन के प्रयोजन की चर्चा है, बोलो पंडित जी। प्रतिकूल अच्छे तो हैं, आप जानते भी हो, मानते कहां हो? तभी तो आप कहां छोड़ रहे हो, ना देवी को ना देवता को। आपने पूरा मूलाचार पढ़ाया, आपके द्वारा संपादित ग्रंथों को आचार्यों ने मुनियों ने पढ़ लिया। भैया पढ़ तो लिया उनने, एक बार आप गढ़ लो। हम क्यों बोल रहे हैं बताएं आपको, आचार्य जी ने कहा था अपने से बड़ा हो तो बेटा संभल के बोलना, लेकिन पंडित जी अपना हो उससे संभल के नहीं बोलना, उसको तो अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं। आप विद्वान लोगों तो अधिकार पूर्वक बोलते कि नहीं गुरुओं से कि महाराज जी ऐसा नहीं, अपने को ऐसा करना चाहिए। पंडित जी आए थे परसों, बोले कि बृहद द्रव संग्रह पर आप एक प्राकृत टीका लिखो। पंडित जी आपने अधिकार पूर्वक बोला कि नहीं, अधिकार पूर्वक बोला कि नहीं? क्यों, अपनी तो महाराज है, तो अपनी तो पंडित जी हैं, तो हम क्यों छोड़े, हम क्यों छोड़े? अब पंडित जी जो देवी है वो आपके लिए अनुकूल शत्रु है कि प्रतिकूल मित्र? पंडित जी नहीं बोलेंगे, हैं? क्या, लेकिन आप उस मित्र की बात नहीं मान रहे हो ना। गुरु लगते हैं प्रतिकूल, बच्चे को पिता लगते हैं प्रतिकूल, लेकिन जब बेटा पिता बनता है उसको सारे आटे दाल का भाव मालूम चल जाता है। पंडित जी पूरे आटे दाल का भाव मालूम चल जाता है, क्योंकि अनुभूत है ना ये विषय। जब पंडित जी हम व्यापार करते थे, एक दिन पिताजी बोले बेटा उठो सुबह सुबह, बोले आज रांझी पनागर जाओ, और रक्षाबंधन का सीजन था, बोले राखी का मार्केट करके आओ। हमने कहा अपन क्या करेंगे जा करके, दुकान में तो कमा ही रहे ना, दो दुकानें हैं दोनों में कमा रहे, क्या करेंगे जाके? बोले नहीं जाओ। बोले क्या, एक्टिवा से नहीं जाना, बोले सामान दूसरी गाड़ी लेके जाओ उसमें पकड़ के बैठना, दोनों भैया जाओ। चले गए, एक दुकानदार के पास गए, हमने कहा भैया जय जिनन जी एक कार्ड है, हम लोग राखी लाए हैं। हाँ चलो चलो, बोले ऐसे तुम्हारे से बहुत आते, आगे चलो। हमने भैया को देखा, हमने कहा जी देखो अपने यहाँ ऐसे बाबू काम करते, 10 रुपये भगा रहा अपने को। बोले शांत रहो, पिताजी ने कहा कुछ तो होगा। दिन भर करके आए पंडित जी, जब शाम घर पहुंचे तो 1000 रुपये की कमाई हुई, 2003-04 के आसपास की बात है, 1000 की कमाई हुई, उसमें से 500 रुपये लग गए पेट्रोल में। 1000 का माल बिका, 500 लग गए पेट्रोल में, ठीक।
बचे 500, तो हमने कही लगत निकालने के बाद 150-150 की मजदूरी बन रही है अपनी। हमने कहा पिताजी 150 इसके 150 हमारे, अब बताओ। मैंने कहा दुकान पर रहते तो व्यापार ज्यादा होता कि नहीं। बोले भैया बसंत सुन बेटा, बोले आज तुझे पैसे की कीमत मालूम चल गई है, कल से तुम 5000 का जींस नहीं लाओगे, 500 ही वाला लाओगे। बोले तुम जो हर दो दिन मोबाइल बदलते ना, अब तुम नहीं बदलोगे, अब वो ही चलाओगे, तुमको पैसे की कीमत मालूम चल गई है। पंडित जी जब कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिले, आप खटिया पे लेटे हो, तब मालूम चलेगा। महाराज जी ने कही थी मान लेते उस समय तो निकल जाते, सो निकल ही जाते, छुल्लक तो बन ही जाते कम से, समझो पंडित जी। लेकिन क्या करें, क्या कर सकते हैं। इंजीनियर साहब के दिमाग मत चला देना, मैं तो इंजीनियर जैसे दिमाग चलाओ सब काम गड़बड़ हो जाए, वो मूर्ति को समझाने खड़े हो जाओ, इंजीनियर का दिमाग मत चलाना, आप अपना ही मस्तिष्क चलाना। सदगुरु आए हैं चेता रहे हैं, हे चेतन चेत जा, हे चेतन चेत जा, वरना फिर चेतना नहीं बचेगी। बड़े बड़े विद्वानों को पंडित जी आपने भी देखा है, ऐसा क्या हो जाता है पंडित जी कि आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती। ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है पंडित जी, विद्वान अकेले की बात नहीं कर रहे, जो स्वाध्याय कर रहा है श्रावक उसकी भी बात कर रहा हूं मैं, और जो दीक्षा ले चुके हैं और 28 की जगह 21 मान रहे हैं। पंडित जी कोई भी हो आप, तो सबको रिडार में ले लो। ऐसा क्या हो जाता है कि वो फिर वो लक्ष्य से भटक जाता है। क्यों नहीं छूट पा रही, हम तो उनको भी ले रहे और आपको भी ले रहे, आप भी क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो, उन्हीं को क्यों ले अकेले, आप भी तो हो, क्यों नहीं छूट पा रहे। क्या बताएं पंडित जी, पूर्व के संस्कार ऐसे रहते हैं मोह के कि व्यक्ति कितना ही उठे ऐसा धक्का लगता है ना, क्योंकि वो लक्ष्य से च्युत हैं, लक्ष्य से च्युत हैं। आप चल रहे थे अभी मंदिर गए थे हम लोग, तो सैर सागर जी आप ऊपर देख के चल रहे थे कि नीचे देख के चल रहे थे, क्यों, कहीं मल पे पैर पड़ जाता तो दंड स्नान करना पड़ता, कहीं जीव पे पैर पड़ जाता तो अहिंसा व्रत का अभाव हो जाता, लक्ष्य से च्युत नहीं हुए तो चल रहे हैं। आप लक्ष्य से कहीं च्युत तो नहीं हो। एक खिलाड़ी खेलते खेलते कैसे आउट होता है, लक्ष्य से चूका है पंडित जी, लक्ष्य से चूका है इसीलिए हारा है। बिल्कुल, क्यों नहीं छूट पा रहे हैं, लक्ष्य से च्युत है आप। पंडित जी बहुत सुंदर बात लिखी है मूलाचार में, 15 प्रकार के योग हैं, उसमें से वचन योग के लिए अनुभव वचन योग लिखा है, देखते हैं। पंडित जी ने कल कहा कि अपन विद्वान को बुला के चर्चा करते हैं, हमने क्या कहा पंडित जी, देखते हैं, क्योंकि अभी हम हाँ बोल देते हैं फिर निभाना पड़ेगा। ये हमारे उल्टे पैर की छिंगली टूट गई थी पंडित जी, अभी सागर चातुर्मास के पहले की बात है, जेसी नगर है ना, जेसी नगर, वहाँ पर एक बच्चे का पैर लग गया था, तो माइनर हेयर क्रैक था उसमें। अब हमने वचन दे दिए थे कि 4 तारीख को प्रवेश है, 65 किलोमीटर चले 2 दिन में पंडित जी, हम टूटे पैर थे, चलना तो पड़ेगा भाई, तुम दो नहीं वचन दिए तो फिर निभाओ, नहीं तो फिर कह दो कि देखते हैं। अभी मजवा गांव से माता जी की खबर आई कल कि महाराज जी कब आ रहे हो, देखते हैं। ऐसे अनुभव वचनों का प्रयोग करेंगे पंडित जी तो कहीं सावध्य नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ा लेट हो गए, हमारा यही कहना है कि पड़ोसी क्या कर रहा है इससे हमें क्या, हम क्या नहीं कर पा रहे इससे हमें प्रयोजन है।
बेंगलोर में एक बच्चे ने हमसे कहा कि हमको व्रत लेना है, लेकिन व्रत आपसे लेंगे, दीक्षा आचार्य भगवान विद्यासागर जी से लेंगे। हमने कहा भाई हमारी तरफ से खूब आशीर्वाद है, आप दीक्षा भी उनसे लो और व्रत भी उनसे ही लेना, कहीं कल के दिन मेरे मन में ना आ जाए कि मेरा ब्रह्मचारी था। पंडित जी स्पष्ट, डरना क्या, कहीं भी दीक्षा लेगा करना तो कल्याण ही है ना, चाहे किन्हीं भी आचार परमेश्वरी से दीक्षा ले, गुणस्थान तो उसको ही बना के रखना है कि आचार से रोज थर्मामीटर लगाएंगे कितना गुणस्थान चल रहा है। भैया इंजीनियर साहब हर चीज में थर्मामीटर नहीं लगता, नहीं तो आप बोले थर्मामीटर लगा के देखना है कितना पुण्य बचा कितना पाप, कितनी निद्रा हो रही, वो आपकी भावों की विशुद्धि से मालूम चलेगा। समझ रहे मां? अब बताओ आप अनुकूल शत्रुओं की मानते हो कि प्रतिकूल मित्रों की? कोई नहीं मिलेगी सुविधा, सब सुविधा छोड़ के आओ, कपड़े भी छोड़ के आओ और बिल्कुल शांति से रखो। हम लोगों की दीक्षा हुई थी तो आचार्य जी ने कहा था बेटा ऐसा भी दिन आ सकता है कि आहार नहीं मिले, पराधीन हो अब तुम, भले ही स्वाधीन हो लेकिन पराधीन हो, स्वीकार हो तो कपड़े और फेंके हैं वो फेंके रहे दो, स्वीकार नहीं हो उतारो अभी घर चले जाओ। अच्छे से याद है पंडित जी हमको, सुविधा क्या चाहिए, जो सुविधा लेने आया है वो फिर वो उसी सारी विधाएं खत्म है, कोई सुविधा नहीं है। अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मोक्ष प्राप्त करना है, एक दोहा कहते थे एक सज्जन, दो ही बात नहीं होत सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष भी जाने, व्यक्ति को विषय भोग भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, ऐसे नहीं मिल रहा, ऐसे नहीं मिल रहा, छोड़ोगे तो भी तो किसी और चीज को पकड़ोगे और तुम छोड़ नहीं रहे हो तो फिर पकड़ोगे कैसे, एक कदम छोड़ोगे तभी तो दूसरा कदम बढ़ेगा। अब आप खड़े ही हो बोले हम तो इसको नहीं छोड़ेंगे और मैं पूरी यात्रा करूंगा घाट की, कराओ, तीन काल में नहीं कर सकते आप। पंडित जी हम अपनी दृष्टि को परमुखी क्यों ले जाएं? अब फूलचंद जी सोच रहे फिर हमें काहे समझा रहे, आदिश भाई पंडित जी सोच रहे हैं कि आप कह रहे हो स्वयं को देखो फिर आप हमसे क्यों बोल रहे हो। पंडित जी धर्मोपदेश है सो कह रहे हैं, नहीं तो हम अपने स्वाध्याय में मिलते हमें फिर क्या प्रयोजन। लेकिन उसके लिए पंडित जी प्रारंभ से ही लक्ष्य पर दृष्टि रखना पड़ती है। जब आप युवा थे, जितने आप पंडित चाहे कमलेश जी हो आप हो, बिल्कुल युवा थे और पहले दिन एडमिशन लिया था और तत्वार सूत्र का ता भी नहीं आता हो, वो दिन भी तो था लेकिन आप डटे रहे, डरे नहीं डटे रहे, डटे रहे तो आज लक्ष्य को प्राप्त करके शीर्ष पर पहुंचे कि नहीं, बस डटे रहो लेकिन लक्ष्य को नहीं भूलना। यद्यपि हो सकता है कोई गली अली से भटक जाओ लेकिन वापस आ जाना। हमने पंडित जी आपको सागर के गोष्ठी में बताया था, हम पंडित जी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। एक बार हमने भोपाल के चातुर्मास में भक्त बनाओ आंदोलन बनाया था, बताया था हमने पंडित जी, इसमें डरने की क्या बात है, जब बर्णी जी जीवन गाथा में सब लिख सकते हैं तो अपन तो साधु झूठ बोल ही नहीं सकते। पंडित जी 2 महीने सिर्फ भक्त बनाए हमने कि आहार पर जाए तो 30-40 लोग होना चाहिए साथ में। 2 महीने बाद समझ में आया कि सामाय गई आनंद ही नहीं आ रहा, स्वाध्याय गया आनंद ही नहीं आ रहा। फिर मैंने आचार्य जी को बताया कि आचार्य जी ऐसे ऐसा हुआ 2 महीने में। बोले कैसा लगा? हमने ऐसा लगा जैसे जेल में फंस गए हों और हमारा फायदे में नुकसान हो गया है। बोले अब, मैंने कहा जी भक्त रहे कोने में, आओ सो आओ और नहीं आओ सो नहीं आओ, अपना स्वाध्याय ही श्रेष्ठ है। जिनवाणी मतलब पंडित जी जो टेबल पर जिनवाणी रखी थी वो चीख रही थी कि भैया हमें क्या प्रदर्शनी के लिए रखा है, पंडित जी अनुभव करो ना, अनुभव करो। और ये जो अनुभव है पंडित जी बहुत अच्छे हैं, जब तक रोटी जलेगी नहीं तब तक अच्छी बनेगी भी नहीं। बोलो माँ है, हाथ भी तो जलता है ना लेकिन उससे अनुभव मिलता है ना। ऐसे ही पंडित जी जब कोई भटक जाए तो उसको अगर लक्ष्य पर दृष्टि है तो उसको अनुभव भी मिलता है, फिर वो लक्ष्य पर पुनः स्थापित होता है। आपका समय हो गया, इतना ध्यान रखना पंडित जी, कुछ भी नहीं है संसार में, जहां आपने
बिल्कुल, किसने मना किया? भगवान महावीर स्वामी ने दोनों धर्म कहे, एक गृह धर्म भी कहा है, एक श्रवण धर्म भी कहा है। श्रेष्ठ श्रवण धर्म ही है। नहीं हो रही योग्यता नहीं आपके पास, आप गृहस्थ बनकर रहो। अभी आप गृहस्थ नहीं हो, आप अभी त्रस्त हो। आप घर पर रहो ना, प्रतिमाधारी बनना, दो प्रतिमा, सात प्रतिमा, पांच प्रतिमा धारण करना, फिर आप रहो घर पे, शुद्ध भोजन करना, पानी छान कर प्रयोग करना, चाहे धो चाहे नहाओ चाहे पियो, आप बनो ना सदग्रस्त। किसने मना किया? पंडित जी बन जाओ सदग्रस्त। कठिन है ओ इंजीनियर साहब, घर पे रह के भी निर्वाह करना बहुत कठिन है। अब ये बोलते हैं महाराज जी ये कहाँ आप व्रतों के चायत के झंझट में डाल रहे, बंदा बंदा सा लग रहा है। भैया बंदे नहीं रहोगे तो फिर बुंदेलखंड में कहते छुट्टा सांड की कोई कीमत नहीं है। बंदे रहोगे तो कीमत है, चारा भी मिलेगा और सहारा भी मिलेगा और छुट्टा सांड की कोई कीमत नहीं है, समझना। अपन पुनः कल चर्चा करेंगे। माँ अपने अंदर में एक भी पंक्ति उतर गई तो कल्याण हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि तीर्थंकर की वाणी प्रभावित करे पंडित जी, तीर्थंकर जैसे जीव को भी सामान्य मुनि की वाणी ही प्रभावित कर गई थी। त्रियंचों की क्रियाएं भी प्रभावित कर देती हैं, वो प्रभावित होने का आपका लक्ष्य होगा तो, नहीं तो इंजीनियर साहब अभी उठेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे तो कहीं धूल भी झराओ और वचन भी झराओ और जय जय गुरुदेव गय गय गुरुदेव, समझना। अपन कल पुनः चर्चा करेंगे अगर परिणाम रहे तो। पंडित जी पर्याय तो कोई ना कोई रह जाएगी, इनके परिणाम रहे तो ही कल आएंगे, नहीं तो घर में बैठ के प्रतिकूल मित्र की बात मान करके चाय पीते मिलेंगे। आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और दृष्टि स्वमुखी बनाएं, क्योंकि स्वमुखी में ही कल्याण है, परमुखी में कोई कल्याण नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।